हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैसरेशन के बारे में, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैसरेशन जो होता है वो एक एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस होता है, ठीक है। एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस आप लोगों को पता है कि एक्सट्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोग किसी भी क्रूड ड्रग से उस क्रूड ड्रग का एक्टिव इंग्रेडिएंट एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। और ये जो प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन का, ये होता है एक सॉल्वेंट की हेल्प से, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मैसरेशन पढ़ रहे हैं, मैसरेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैसरेशन में आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले क्रूड ड्रग लेनी होती है, ठीक है, यानी कि वो ड्रग लेनी होती है जिसका आपको एक्टिव इंग्रेडिएंट एक्सट्रैक्ट करना है। उस ड्रग को लेने के बाद सबसे पहले उस ड्रग को हम लोगों को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। पाउडर फॉर्म में ड्रग को कन्वर्ट करने के बाद हम लोगों को उस ड्रग को इमर्स करना होता है मेनस्ट्रम में। इमर्स करना मतलब कि भिगोना होता है, ठीक है। मेनस्ट्रम जो होता है, मेनस्ट्रम क्या होता है, मेनस्ट्रम जो होता है वो वीकर होता है, सॉल्वेंट होता है जिसको हम लोग यूज़ करें एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्रूड ड्रग लो, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करो और फिर उसको डिजॉल्व कर दो हमारे सॉल्वेंट में, मेनस्ट्रम में। और ये जो क्रूड ड्रग का और मेनस्ट्रम का जो मिक्सचर होता है, जो हम लोगों ने क्रूड ड्रग को मेनस्ट्रम में भिगोया है, इसको हम लोगों को 3 to 7 days के लिए रखना होता है, ठीक है। और उन्हीं 3 to 7 days में इसमें फ्रिक्वेंट एग्यूटेशन, यानी कि बार बार हम लोगों को इसको स्टिर करते रहना होता है, इसको बार बार हिलाना होता है, ठीक है। एग्यूटेशन से क्या होता है, मतलब कि जब हम लोग इसको स्टिर करते हैं या फिर शेक करते हैं, जो भी कर रहे हैं, मूवमेंट करा रहे हैं जब हम इस लिक्विड का, तो उससे क्या होता है कि जो सेल्स और टिश्यूज़ के आसपास जो कॉन्सेंट्रेशन इकट्ठी हो गई है ना, वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आफ्टर 3 to 7 days स्ट्रेन थ्रू द सीव, 3 to 7 days हो जाने के बाद आपको क्या करना होता है कि छान लेना होता है छलनी की हेल्प से। ये जो क्रूड ड्रग और ये जो मेनस्ट्रम का जो सोल्यूशन था, ठीक है, इसको 3 to 7 days के लिए रखा। 3 to 7 days में इसमें इसको बार बार शेक करते रहे हम लोग, फिर स्टिर करते रहे, और 3 to 7 days के बाद हम लोगों ने इसको स्ट्रेन कर लिया विद द हेल्प ऑफ अ सीव, ठीक है। स्ट्रेन करने के बाद क्या होगा, स्ट्रेन करने के बाद लिक्विड ऑब्टेंड हो जाएगा, ठीक है। और जो मार्क बचेगा, जो रेजिड्यू बचेगा, उसको आप लोगों को प्रेस करना है, और जो प्रेस करके जो लिक्विड आएगा, उस लिक्विड को और जो पहले जो फिल्टर ऑब्टेन हुआ है अभी जब हम लोगों ने इसको सीव किया था, तो दोनों को मिक्स कर देना है, ठीक है। तो ये एक्सट्रैक्ट हमारा मिल जाएगा, ठीक है। अब जो मैसरेशन प्रोसेस होता है, ये लॉन्ग एक्सट्रैक्शन टाइम, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। एक्सट्रैक्शन का जैसे मैंने बताया कि 3 to 7 days के लिए रखना होता है इसको, तो लॉन्ग एक्सट्रैक्शन टाइम लगता है इसमें। और यूज्ड फॉर थर्मोलेबाइल ड्रग्स मतलब कि जो हीट सेंसिटिव ड्रग्स होती है, जिनके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो हीट करने पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उन ड्रग्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है। दिस प्रोसेस इज नॉर्मल यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ टिंक्चर्स और एक्सट्रैक्ट्स। इस प्रोसेस को नॉर्मल टिंक्चर्स और एक्सट्रैक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, प्रिपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मैसरेशन के टाइप्स की। तो मैसरेशन जो होता है वो 2 types का होता है। फर्स्ट वन इज़ सिंपल मैसरेशन एंड सेकेंड वन इज़ मॉडिफाइड मैसरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल मैसरेशन की बात करते हैं। तो सिंपल मैसरेशन जो होता है उसको यूज़ किया जाता है ऑर्गेनाइज ड्रग्स के लिए। ऑर्गेनाइज ड्रग्स क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज ड्रग्स ऐसे क्रूड ड्रग्स होते हैं जिसमें सेलुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्लांट का कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइज ड्रग्स, ठीक है। तो सिंपल मैसरेशन को हम लोग ऑर्गेनाइज ड्रग्स के लिए यूज़ करते हैं। इसके लिए हम लोग को क्या करना होता है, क्लोज कंटेनर यूज़ करना होता है, और वाटर या फिर अल्कोहल को हम लोग एज ए मेनस्ट्रम, यानी कि एज अ सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ड्रग मेनस्ट्रम रेशियो जो होता है वो 1:10 होता है, मतलब अगर आप 10 मिलीग्राम अगर हमारी क्रूड ड्रग ले रहे हो आप, तो जो मेनस्ट्रम है, जो सॉल्वेंट है, उसका जो रेशियो होगा वो होगा 100 ml, ठीक है। अगर आप 1 मिलीग्राम अगर ड्रग ले रहे हो, तो जो मेनस्ट्रम है उसकी अमाउंट होगी 10 ml, ठीक है। तो इसका प्रोसेसर देखते हैं अब हम लोग। सबसे पहले क्या करना होता है, टेक क्रूड ड्रग एंड ऐड सॉल्वेंट। सबसे पहले क्रूड ड्रग लेनी है, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, फिर उसको सॉल्वेंट के अंदर, यानी कि मेनस्ट्रम के अंदर ऐड कर देना है। यहाँ पे सॉल्वेंट हम लोग वाटर या फिर अल्कोहल यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद में इस मिक्सचर को 3 to 7 days के लिए छोड़ देना है विद ओकेजनल शेकिंग, यानी इसको बीच बीच में शेक करते रहना है, ठीक है। 3 to 7 days के बाद हम लोगों को क्या करना है, जो हमारा ये जो मिक्सचर है क्रूड ड्रग का और सॉल्वेंट का, इसको 3 to 7 days रखने के बाद हम लोग को इसको सीव कर लेना है, ठीक है। सीव करने के बाद एक लिक्विड ऑब्टेंड होगा, ठीक है। और लिक्विड ऑब्टेंड होगा तो यहाँ पे कुछ मार्क बचेगा, कुछ सॉलिड रेजिड्यू बचेगा छलनी के ऊपर, कुछ सॉलिड रेजिड्यू बचेगा, तो उस रेजिड्यू को वापस से आपको प्रेस करना है, ठीक है। तो उससे भी और लिक्विड एक्सट्रैक्ट होगा। तो ये वाला जो लिक्विड जो पहले हम लोगों को सीव करने पे मिला था, और जो हमारा दूसरा वाला जो लिक्विड है जो हम लोगों को मार्क प्रेस करने पे, यानी जो हमारा वेस्ट मटेरियल रह गया उसको प्रेस करने पे मिला है, इन दोनों लिक्विड्स को हम लोगों को मिक्स कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा
हो गया मैसरेशन का प्रोसेस कंप्लीट। इस प्रोसेस के अंदर फाइनल वॉल्यूम में किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता है। जो जितना फाइनल वॉल्यूम हमारा इससे जो आ रहा है और इससे जो आ रहा है इस वाले लिक्विड से, जितना भी वॉल्यूम बन रहा है जो वॉल्यूम है हमारे लिक्विड का वो उतना ही रहेगा, ठीक है। कोई भी चेंज नहीं होता है वॉल्यूम में। एग्जाम्पल है इसका ऑरेंज टिंक्चर और लेमन टिंक्चर, ठीक है। नेक्स्ट इज़ मॉडिफाइड मैसरेशन। मॉडिफाइड मैसरेशन जो होता है उसको हम लोग अनऑर्गेनाइज ड्रग्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके लिए भी हम लोग क्लोज कंटेनर लेते हैं, ठीक है। क्लोज कंटेनर इसके लिए यूज़ किया जाता है। हम लोग मेथड देखते हैं कि हम जो मॉडिफाइड मैसरेशन है उसको परफॉर्म करने का क्या मेथड होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को अनऑर्गेनाइज ड्रग लेना है, ठीक है। अनऑर्गेनाइज ड्रग लेने के बाद जो ड्रग है उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग को क्या करना है, इसको 4/5 ऑफ मेंस्ट्रम, यानी कि हम लोग को जो हमारा मेंस्ट्रम है ना उसको दो वॉल्यूम्स में डिवाइड कर देना है। 4/5 वॉल्यूम अलग होगा और जो 1/5 वॉल्यूम है वो अलग होगा। सपोज़ अगर हम लोग 100 ml हमारा टोटल जो मेंस्ट्रम है वो हम लोग 100 ml ले रहे हैं, ठीक है। तो हम उसको 4/5 और 1/5 में करेंगे तो 80 ml अलग हो जाएगा। 80 ml जो है वो 4/5 हो जाएगा 100 ml का, ठीक है। और 1/5 जो होगा 100 ml का वो हो जाएगा 20, ठीक है। तो यहाँ पे 4/5 है, तो सपोज़ अगर हम लोग 100 ml हमारा जो सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, मेंस्ट्रम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग को 80 ml मेंस्ट्रम ले लेना है, ठीक है। तो इस अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग को इस 80 ml मेंस्ट्रम में ऐड कर देना है, ठीक है। ऐड करने के बाद इसको 3 to 7 days के लिए छोड़ देना है और बीच बीच में शेक करते रहना है, ठीक है। इसके बाद फिल्टर हो जाएगा, फ़िल्टर करना है। फ़िल्टर करने के बाद एक्सट्रैक्ट मिलेगा, ठीक है। अब उस एक्सट्रैक्ट जो ऑप्टेन हुआ ना, इसमें यहाँ पे हम लोगों ने 1/5 लिया था, 80 ml लिया था, लेकिन अब जो 20 ml बचेगा ना, वो जो ये एक्सट्रैक्ट ऑप्टेन हुआ है, हमको एक्सट्रैक्ट जो मिला है फ़िल्टर करने पे, इस एक्सट्रैक्ट में हम लोग को जो बचा हुआ 1/5 वॉल्यूम है, यानी कि जो 20 ml है, हम लोगों को वो ऐड कर देना है इसमें, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ऑर्गेनाइज ड्रग लिया। सबसे पहले तो देखो मेंस्ट्रम लो, मेंस्ट्रम को 2 volumes में डिवाइड करो। सपोज अगर हम लोग 100 ml मेंस्ट्रम यानी कि 100 ml सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग को 80 ml अलग कर लेना है, 20 ml अलग कर देना है। उसके बाद 80 ml वाला लो और उसके अंदर क्रूड ड्रग को डिसॉल्व करो। उसके बाद इस मिक्सचर को 3 to 7 days के लिए रख दो और बीच बीच में शेक करते रहो। उसके बाद में फिल्टर कर लो, एक्सट्रैक्ट हमको मिल जाएगा, ठीक है। अभी जो एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन हुआ है, इसमें जो बचा हुआ 1/5 वॉल्यूम है, यानी कि जो 20 ml बचा हुआ है, वो इस एक्सट्रैक्ट में ऐड कर दो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मार्क, जो हमारा जब हम लोगों ने यहाँ पे फिल्ट्रेशन किया था, तो हम लोग सिंपल में क्या कर रहे थे, सिंपल जो हमारा मैसरेशन था उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे थे कि फ़िल्टर करने के बाद जो मार्क बचा ना उसको हम लोग प्रेस कर रहे थे और जो एक्सट्रैक्ट बन रहा था उसको यूज़ कर रहे थे। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो है वो मार्क बचता है जो फ़िल्टर करने के बाद उसको प्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो मार्क है ये कॉम्पैक्ट गमी मैटर होता है, ठीक है, चिपचिपा सा होता है ये, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रेस नहीं करेंगे। एग्जांपल है इसका मॉडिफाइड मैसरेशन का टिंचर ऑफ टोलू एंड कंपाउंड टिंचर ऑफ बेंजोइन, ठीक है। उसके बाद जो हमारा मॉडिफाइड मैसरेशन है ना, इसको जो उसके बाद जो हमारा थर्ड टाइप है मैसरेशन का, वो है मल्टीपल मैसरेशन, ठीक है। मैंने गलती से बोल लिया था कि मैसरेशन 2 types के होते हैं, मैसरेशन जो है वो 3 types के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ सिंपल मैसरेशन, सेकेंड वन इज़ मॉडिफाइड मैसरेशन एंड थर्ड वन इज़ मल्टीपल मैसरेशन, ठीक है। तो हम लोग मल्टीपल मैसरेशन के बारे में देखते हैं। मल्टीपल मैसरेशन क्या होता है, ये जो मल्टीपल मैसरेशन होता है ये सेम होता है, सेम हम लोग इसको सिंपल मैसरेशन की तरह परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो डिवाइडेड मेंस्ट्रम है, डिवाइड मेंस्ट्रम जो है उसको डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम्स में डिवाइड करके फिर इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये जो मल्टीपल मैसरेशन है ये फर्दर 2 types का है। फर्स्ट वन इज़ डबल मैसरेशन एंड सेकेंड वन इज़ ट्रिपल मैसरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डबल मैसरेशन के बारे में देखते हैं। डबल मैसरेशन क्या होता है, ठीक है। डबल मैसरेशन में क्या होता है, ड्रग मैसरेटेड ट्वाइस यूजिंग मैंस्ट्रम। मैंस्ट्रम इज़ डिवाइडेड इंटू 2 parts, मतलब जो मैंस्ट्रम होता है उसको हम लोग 2 parts में डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद जो ड्रग है उसका हम लोग मैसरेशन करते हैं, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑफ मैंस्ट्रम इक्वल्स टू वॉल्यूम 1 + वॉल्यूम 2, मतलब क्या, जो हमारा मैंस्ट्रम है ना उसको हम लोग, जैसे सपोज अगर हम लोग 100 ml मैंस्ट्रम ले रहे हैं तो हम उसको 2 volumes में डिवाइड कर देंगे। एक वॉल्यूम 50 ml हो जाएगा, दूसरा वॉल्यूम जो है वो 50 ml हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग 100 ml की जगह अगर हम लोग 50 ml सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, तो उसमें हम लोग 2 volumes कैसे डिवाइड करते, एक वॉल्यूम हमारा 25 ml हो जाता और जो दूसरा वॉल्यूम है वो हमारा 25 हो जाता, तो टोटल हो जाता, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, जो मेंस्ट्रम है उसको हाफ हाफ में डिवाइड कर लेना है 2 parts में, ठीक है। मेथड देखते हैं हम लोग इसका।
इसका मेथड है, सबसे पहले क्या करना है आपको, क्रूड ड्रग लेना है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया उसको, उसके बाद वॉल्यूम वन जो थी उसमें इस क्रूड ड्रग को ऐड कर दिया, ठीक है। वॉल्यूम मैंने वन मैंने बताया था कि जितना भी हमारा जो मेंस्ट्रम है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लो, हाफ हाफ में, ठीक है। सपोज़ अगर हम लोगों ने 100 ml अगर मेंस्ट्रम लिया है हमारा, तो फर्स्ट एक हम उसको 50-50 में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम वन ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग 50 ml लेंगे, तो इस क्रूड ड्रग को 50 ml मेंस्ट्रम में डाल देना है, और इसको 48 आवर्स के लिए ऐसा कैसा छोड़ देना है, 48 आवर्स के बाद में हम लोगों को ये जो क्रूड ड्रग और ये जो सॉल्वेंट था, इसका जो मिक्सचर था, इसको हम लोग को छान लेना है, स्ट्रेन कर लेना है, और उसके बाद में हम लोग को मार्क को प्रेस करना है, ठीक है। तो हमारा जो एक्सट्रैक्ट वन है ये ऑप्टेन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे हम लोग को जो मार्क मिला है ना, प्रेस मार्क को प्रेस करने के बाद हम लोग को फिल्ट्रेट ऑप्टेन हो गया, लेकिन अभी भी कुछ अमाउंट में मार्क बच रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। लिक्विड तो सारा निकल गया प्रेस करने के बाद, लेकिन अभी भी यहाँ पे सॉलिड मार्क तो बच रहा है ना, तो उस मार्क को लेना है, सॉलिड रेजिड्यू को। ये जो मार्क होता है ये वेस्ट मटेरियल होता है, ये मैंने बताया है पहले भी, ठीक है। तो इस मार्क को लेना, और इसमें जो वॉल्यूम टू है, यानी कि अगर हम लोगों ने 100 ml लिया, तो यहाँ पे वॉल्यूम वन 50 ml हो गया, वॉल्यूम टू 50 ml हो जाएगा, तो इस मार्क को वापस इस वॉल्यूम टू में, यानी कि 50 ml वाले में ऐड कर देना है। इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने 48 आवर्स के लिए रखा था, इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको 24 आवर्स के लिए रख देंगे, ठीक है। और 24 आवर्स रखने के बाद हम लोगों को स्ट्रेन कर लेना है, छान लेना है लिक्विड को, और मार्क को फिर से प्रेस करना है, एक्सट्रैक्ट हमको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एक्सट्रैक्ट वन जो यहाँ से ऑप्टेन हुआ था और एक्सट्रैक्ट टू जो यहाँ से ऑप्टेन हुआ है, इन दोनों को मिक्स कर देना है एक साथ में, और इसको 14 दिन के लिए छोड़ देना, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका, कॉन्सेंट्रेटेड इन्फ्यूजन ऑफ ऑरेंज, कॉन्सेंट्रेटेड इन्फ्यूजन ऑफ चिराटा, और कॉन्सेंट्रेटेड कंपाउंड इन्फ्यूजन ऑफ जेंटियन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब डबल मैसरेशन हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोग ट्रिपल मैसरेशन के बारे में देखते हैं। तो ट्रिपल मैसरेशन में क्या होता है कि ड्रग इज़ मैसरेटेड थ्राइस, 3 बार मैसरेशन किया जाता है। मेंस्ट्रम जो है, जहाँ पे जैसे हम लोगों ने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, वैसे यहाँ पर हम लोग उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। जो मेंस्ट्रम होगा उसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्रूड ड्रग लेंगे, और जो वॉल्यूम वन है उसको हम लोग उसमें हम लोग इस क्रूड ड्रग को ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको मैसरेट करेंगे एक आवर के लिए, और 1 घंटे बाद हम लोग इसको छान लेंगे, एक्सट्रैक्ट वन हमको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक्सट्रैक्ट वन मिलने के बाद यहाँ पे जो मार्क बचा है, उस मार्क को हम लोग लेंगे, और उस मार्क को वॉल्यूम टू के साथ मिलाएंगे, डिसॉल्व करेंगे उस मार्क को वॉल्यूम टू के अंदर। इसके बाद फिर से हम लोगों को इस मिक्सचर को एक मार्क के और जो मेंस्ट्रम है सॉल्वेंट है इसके मिक्सचर को 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। 1 घंटे बाद हम लोग इसको छानेंगे, तो हम लोग को एक्सट्रैक्ट टू मिल जाएगा, ठीक है। अब ये जो एक्सट्रैक्ट टू मिलने के बाद यहाँ फिर से जो मार्क बचेगा ना, मतलब लिक्विड अलग हो जाएगा, सॉलिड अलग हो जाएगा, सॉलिड पार्ट को हम लोग मार्क बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मार्क फिर से बचेगा ना, इसको हम लोग फिर से लेंगे, और इसमें हम लोग वॉल्यूम 3 के साथ ऐड कर देंगे इस मार्क को, और फिर इसको 1 घंटे के लिए मैसरेट करना है, ठीक है। 1 घंटे के लिए छोड़ देना है मार्क और इस वॉल्यूम 3 के मिक्सचर को, और इसके बाद इसको स्ट्रेन कर लेना है, और एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 क्या है, ये मैंने बताया था कि जो हमारा मेंस्ट्रम है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। सपोज़ अगर हम लोग 60 ml अगर हम लोग मेंस्ट्रम यूज़ कर रहे हैं, तो इसको हम लोग 20 20 20 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हम लोग 20 ml ले लेंगे, यहाँ पे 20 ml ले लेंगे, यहाँ पे 20 ml ले लेंगे, ठीक है। तो हम लोग को एक्सट्रैक्ट 1 एक्सट्रैक्ट 2 एक्सट्रैक्ट 3 मिल गए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट 2 और जो एक्सट्रैक्ट 3 है इसको एवोपरेट करना है एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन तक, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन इसको एवोपरेट करने के बाद जो लिक्विड मिलेगा हम लोगों को, उसको हमको मिक्स कर देना है एक्सट्रैक्ट 1 के साथ, ठीक है। वॉल्यूम उसको बाद वॉल्यूम एडजस्ट कर लेना है विद द हेल्प ऑफ वाटर, और इस जो मिक्सचर है इसको छोड़ देना है 14 डेज के लिए, ठीक है। और 14 डेज बाद इसको फिल्टर कर लेना है, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं इसके, कॉन्सेंट्रेटेड इन्फ्यूजन ऑफ क्वेसिया, लिक्विड एक्सट्रैक्ट ऑफ सेना,